तो कैसे है भाई भाई, आज की इस वीडियो में बात करते हैं जोमेटो फूड डिलीवरी में काम करते समय अपने को कितनी प्रकार की जो है सेल्फी आती हैं, और काम करते समय अगर ये सेल्फी अपन से मिस हो जाती हैं, अगर अपन सेल्फी नहीं दे पाते हैं तो कितनी क्या जो है अपने को पेनल्टी लग सकती है। साथ ही जो अपनी जोमेटो आईडी है और अपन जो जोमेटो में काम करते हैं उस पर क्या फर्क पड़ता है। तो जोमेटो फूड डिलीवरी में काम करने के लिए भाई 4-5 सेल्फी आपको देना पड़ती है, जिसमें पहली सेल्फी होती है लॉग इन सेल्फी, और उसके बाद आती है मास्क वाली सेल्फी, और बीच में काम करते समय जोमेटो आपको चेक करने के लिए असेट सेल्फी मांग लेता है। असेट सेल्फी में जोमेटो बैग, जोमेटो की टी शर्ट, जब तक कोरोना है तब तक भाई मास्क की फोटो भी ऐड होती है। तो असेट सेल्फी में 3 सेल्फी होती है, टी शर्ट, जोमेटो का बैग। जोमेटो का बैग मैं आपको दिखा देता हूँ, ये भाई जोमेटो का बैग है, बाकी जोमेटो की टी शर्ट मैं भी पहना ही हुआ हूँ। और जब अपन फील्ड पर रहते तब अपने को मास्क लगा के, वो सेल्फी आप साइड में भी देख सकते हैं, ये वाली सेल्फी जो है ये इसको असेट सेल्फी बोलते हैं। तो इन सेल्फी में से भाई सबसे पहली सेल्फी की बात करते हैं अपन लॉगिन सेल्फी की, तो लॉगिन सेल्फी आप अभी साइड में देख सकते हैं। ये सेल्फी अपन जब भी जोमेटो काम करने आते हैं, जोमेटो ऐप में ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद काम शुरू करते हैं यानी लॉगिन करते हैं, ऑनलाइन करते हैं, ऑनलाइन जब करते हैं अपन उस समय जो है ये सेल्फी मांगता है। पहले ये सेल्फी मास्क के साथ आती थी, मास्क वाली सेल्फी भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन बीच में क्या हुआ, जोमेटो कंपनी को पता चला कि भाई जो जोमेटो राइडर की आईडी है वो जो है एक दूसरे को एक्सचेंज कर रहे हैं, जोमेटो की जो आईडी है वो जो है एक्सचेंज हो रही है, या उनको जो है कोई और चला रहा है, यानी फ्रॉड आईडी जो है वर्क हो रही है, यानी फ्रॉड आईडी जो है लोग यूज कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में जो है जोमेटो ने एक सेल्फी और बढ़ा दी, जो स्टार्टिंग में जब कोरोना नहीं था उस समय वाली, आप ये देख सकते हैं ये सेल्फी भाई बढ़ाई है, ये लॉग इन सेल्फी। इस सेल्फी में क्या है, राइडर का चेहरा दिखता है और काम करने वाले का चेहरा फिर मैच किया जाता है। अगर काम करने वाला और राइडर जिसकी आईडी, जिसके नाम से आईडी है, उसका चेहरा मैच नहीं करता तो उसकी आईडी जो है तुरंत वहीं पे जो है डिसेबल हो जाती है, यानी डीएक्टिवेट कर दी जाती है, बंद कर दी जाती है। तो ये सेल्फी भाई लॉगिन सेल्फी होती है, जब भी आप जोमेटो में काम करने जाएंगे तो इस सेल्फी को आपको देना जरूरी है, तभी आप जो है जोमेटो काम स्टार्ट कर सकते हैं। अगर ये सेल्फी आप नहीं देते तो आप काम शुरू कर ही नहीं सकते। उसके बाद भाई बात करते हैं दूसरी सेल्फी, तो दूसरी सेल्फी आप ये यहाँ पर देख सकते हैं, ये वाली सेल्फी कई भाई कहते हैं मास्क वाली सेल्फी है, और कई भाई कहते हैं ये टी शर्ट वाली सेल्फी है। तो मेरे हिसाब से भाई मास्क और टी शर्ट दोनों की सेल्फी मान लो आप ये। तो ये सेल्फी बीच में अपन काम करते रहते हैं तो कभी भी ये आ सकती है, मतलब दिन में 2 बार, 1 बार, 3 बार, कितनी बार, यानी दिन में 1 बार, 2 बार, 3 बार, कितनी बार ये सेल्फी भाई आ सकती है, कभी भी आ सकती है, कोई भरोसा नहीं है। तो भाई जब भी आपको ये सेल्फी जोमेटो खुल में काम करते समय आती है तब आपको मास्क लगाना जरूरी है, साथ ही जोमेटो की टी शर्ट आपके पास होना जरूरी है, यानी आप जोमेटो की टी शर्ट पहने हुए जरूरी, यानी आप जोमेटो की टी शर्ट पहने हुए होना चाहिए। अगर दोनों में से कोई एक चीज मिस होती है भाई, ये सेल्फी मिसमैच होके या अनकरेक्ट सेल्फी या मिसमैच सेल्फी बोल के जो है आपको समथिंग कुछ अमाउंट की जो है पेनाल्टी लग जाती है। तो कितने के अमाउंट की जो है पेनाल्टी लगती है उस पर अपन जो है बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद अपन अगली सेल्फी की बात करते हैं, तो भाई वो सेल्फी आती है असेट सेल्फी। असेट सेल्फी आप ये देख सकते हैं, इसमें जोमेटो की टी शर्ट है, जोमेटो का बैग है और मास्क, ये तीनों चीजों की सेल्फी एक साथ जो है आती है। ये भी दिन में कई बार आ सकती है, यानी एक बार भी आ सकती है, 2 बार भी आ सकती है, पर मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस है ये मुझे समथिंग अभी तक ज्यादा बार जब भी आई है वो 2 बार आई है। एक ही बार जब आती है जब आप इस सेल्फी को प्रॉपर, यानी इस सेल्फी को आप प्रॉपर दोगे, उसके बाद जैसे ही एक मास्क और टी शर्ट वाली सेल्फी आएगी उसको भी आपको प्रॉपर देना जरूरी है, उसके बाद आपको सेल्फी ज्यादा नहीं आती, कम सेल्फी आती है, पर ज्यादातर तो ये सेल्फी दिन में एक ही बार आती है, पर ये सेल्फी 2 बार भी आ सकती है। 2 बार कब आती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे मान लीजिए भाई आप सुबह टाइम काम पर गए, आपको ये सेल्फी आई, आपने सेल्फी दे दी, आपके पास टी शर्ट भी थी, उसमें जोमेटो का बैग भी था, आप मास्क भी लगाए थे, उसके बाद भाई जोमेटो जो है चेक करता है कि भाई ये बंदा दिन भर टी शर्ट पहनता है कि नहीं, तो वो जो है एक सेल्फी और डालते हैं उसमें, जिसमें मास्क और टी शर्ट, जोमेटो टी शर्ट होना चाहिए। तो अगर वो सेल्फी कई भाई मिस करते हैं या कोई भाई उस सेल्फी को अपलोड नहीं करते, देते नहीं है, फिर भाई दोबारा से 1 या 2 घंटे बाद किसी भी ऑर्डर में जो है वो फिर से असेट सेल्फी डालता भाई। असेट सेल्फी में आपका फिर से जोमेटो की टी शर्ट होनी चाहिए, जोमेटो का बैग होना चाहिए और मास्क होना चाहिए। तो अगर आपने भाई फिर वो सेल्फी, अगर असेट वाली सेल्फी पहली बार आपने दे दी, दूसरी बार आपने टी शर्ट वाली सेल्फी मिस करी यानी नहीं दी, उसके बाद असेट सेल्फी आई वो भी आपने मिस करी, फिर आपको भाई जब भी अगला ऑर्डर आएगा उसमें फिर असेट सेल्फी आएगी, यानी ये सेल्फी भाई जब तक आप नहीं दोगे तब तक ये सेल्फी आती रहेगी, और समथिंग 3 या 4 बार अगर आप इसको मिस करते हो तो आपको कुछ पेनल्टी देना पड़ेगी। और बीच में काम करते समय एक सेल्फी और आती है, जैसे मान लो केक वाला ऑर्डर आ गया या आइसक्रीम वाला ऑर्डर आ गया जो मतलब गिर सकती है या वो आइटम फैल सकता है, तो उस कंडीशन में भी जो है बैग की फोटो कई बार मांग लेते हैं, और जब भी वो फोटो आएगी वो फोटो आपको सेंसिटिव आइटम के नाम से आएगी, यानी कोई ऑर्डर आया जिसमें केक होगा या आइसक्रीम होगा, यानी सेंसिटिव आइटम, यानी गिर सकता, लीक हो सकता है, उस कंडीशन में वो जो है बैग की फोटो आपसे मांगते हैं।
तो कोई भी सेल्फी भाई आपको मिस नहीं करना है जोमेटो में काम करते समय। इस पर काफी है, जो आईडी उस पर भी काफी फर्क पड़ता है, यानी आपकी आईडी भी इन कंडीशनों में बंद की जा सकती है। और बाद में फिर कई भाई बोलते हैं कि हमारी आईडी जो है भाई बंद हो गई है, नीचे रीजन भी आता है वैसे कि पुअर परफॉर्मेंस या पुअर ग्रूमिंग करके ऐसा लिखा रहता है, इसलिए आईडी जो है टेम्परेरी टर्मिनेट हो जाती है, यानी आईडी चालू हो सकती है लेकिन उसमें समय लगता है। तो पुअर परफॉर्मेंस और पुअर ग्रूमिंग क्या होती है, जिन कंडीशनों से आईडी बंद होती है, उसके लिए उसके बारे में मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं ताकि आपकी आईडी भाई बंद ना हो। और जोमेटो में काम करते समय भाई हमेशा जोमेटो टी शर्ट को पहने हुए रखें, साथ में जोमेटो का बैग रखें और बाइक का हेलमेट, ये दो तीन चीजें आपके पास होना जरूरी है। और जब तक कोरोना का भाई चल रहा है, जब तक कोरोना के वेरिएंट आते जा रहे हैं भाई, पता नहीं कोरोना भी कब खत्म होगा, तब तक ये मास्क वाला सिस्टम तो अभी जोमेटो में चलेगा। तो ये चार चीज आपको काम करते समय आपके पास होना जरूरी है। तो भाई अब बात करते हैं, अगर ये सेल्फी आपको काम करते समय आती है और इनको अगर आप मिस करते हैं, इनको अगर आप नहीं दे पाते हैं, तो आपको कितनी जो है पेनल्टी चार्ज की जा सकती है। तो भाई सबसे पहले ये सेल्फी, लॉगिन सेल्फी, इसके बिना तो आपको जो है ऑनलाइन, इसके बिना तो आप ऑनलाइन जा ही नहीं सकते, यानी ये सेल्फी तो आपको देना जरूरी है। इसमें कंपनी आपसे ना टी शर्ट मांगती है, कुछ भी नहीं मांगती, सिर्फ आपको आपका चेहरा दिखाने को बोलती है, भाई चेहरा वेरीफाई करो, आप ही चला रहे हो आईडी या कोई और चला रहा है। तो इस वाली सेल्फी में तो कोई दिक्कत नहीं होती, इस पर कोई जो है पेनल्टी चार्ज नहीं होती। उसके बाद भाई काम करने जाते हैं, तो ये पहले सेल्फी आती है मास्क और टी शर्ट वाली, इस सेल्फी में आपको 150 रुपये से लेके 200 रुपये तक की पेनल्टी लग सकती है। ये पुराना रेट था, अभी नया रेट मुझे पता नहीं भाई कितनी जो है ऐसा पेनल्टी लग सकती है। पहले समथिंग इसी के आसपास जो है कई राइडर भाइयों की पेनल्टी लगी हुई है और मैंने वो पेनल्टी देखी है, समथिंग 150 रुपये जो है भाई टी शर्ट के कटते होंगे। और उसके बाद आती है भाई जोमेटो असेट सेल्फी, जिसमें जोमेटो का बैग, जोमेटो टी शर्ट और आपका मास्क, ये तीनों चीज़ों की भाई समथिंग इस वाली सेल्फी के, यानी ये मान लो आप समथिंग 300 या 350 के आसपास आपको पेनल्टी लग सकती है या लगती भी है भाई। और कई भाइयों की इसकी भी पेनल्टी इसकी ज़्यादा लगी भाई, क्योंकि इसमें बैग की पेनल्टी लगती है, इसमें टी शर्ट की उतनी ज़्यादा नहीं लगती, पर बैग की समथिंग 300 से 450 के बीच में पेनल्टी लग सकती है। अभी नया रेट मुझे नहीं पता भाई, पहले इतनी जो है पेनल्टी लगती थी। अगर आपके पास बैग नहीं है तो आप जो है बैग बुलवा सकते हैं, वही मैं आपको एंड बता देता हूँ, आप कैसे जो है जोमेटो की टी शर्ट बैग वगैरह ऑर्डर कर सकते हैं फिर से, अगर आपके पास गुम गए हैं, आपके पास खराब हो गए हैं, आपके पास है नहीं है। तो चलो भाई अभी जो है मैं जोमेटो फूड डिलीवरी ऐप में चल के आपको बता देता हूँ कि कैसे आप जो है, अगर आपके पास बैग नहीं है, आपके पास टी शर्ट नहीं है, तो आप जो है दोबारा से कैसे मंगवा सकते हैं। तो भाई आपको अपना जोमेटो डिलीवरी ऐप ओपन करना है, ओपन करने के बाद ऊपर हेल्प वाला ऑप्शन है, इसमें जाना है, हेल्प सेंटर लिखा है, इस पर ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ पर देखिए भाई, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवें नंबर पे देखिए भाई बैग टी शर्ट ट्रेन कोड सेंटर लिखा हुआ है, इस पर ओके करते हैं। ओके करने के बाद देखिए ऊपर आ रहा है बाय न्यू लाइट विंटर जैकेट है, यानी जैकेट लेना भाई अभी जो 300 रुपये वाली है वो ले सकते हो। बाय न्यू बैग टी शर्ट, अगर आपको बैग टी शर्ट जिसके लिए अपन बात कर रहे थे उसके लिए आप दूसरे नंबर वाले ऑप्शन से बैग टी शर्ट मंगवा सकते हो। उसके बाद अगर इसमें अगर जैसे बैग टी शर्ट अगर आपके नहीं आते हैं तो देखो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है टी शर्ट बैग नॉट रिसीव, यानी अगर आपको नहीं मिले हैं तो यहाँ पर आकर जाके उनकी आप दोबारा से कंप्लेंट वगैरह टिकट वगैरह डाल सकते हो। जो भी आपको प्रॉब्लम है आप यहाँ पर जितना मतलब आपका पैसा कटा है या आपने मंगवाया था उसका सारी जानकारी यहाँ पर आप लिख सकते हो कि भाई हमें अभी अपना बैग टी शर्ट नहीं मिला है। उसके बाद नीचे लिखा है इश्यू विद क्वालिटी साइज ऑफ बैग टी शर्ट एंड कोट और लाइट विंटर जैकेट, अगर कोई प्रॉब्लम हो आपने जो बैग टी शर्ट मंगाया उनके साइज़ वगैरह से तब भी आप यहाँ पर टिकट वगैरह डाल सकते हैं, हो सकता है आपका जो रेन कोट या टी शर्ट वगैरह जो भी कुछ आपने मंगवाया है वो चेंज हो सके। तो बाय न्यू बैग टी शर्ट लिखा है, इस पर ओके करें। ओके करने के बाद यहाँ पर आपको एक गूगल का फॉर्म भरना होगा, गूगल के फॉर्म में आपका जानकारी रहेगा, यानी आपकी IP ID रहेगी, आपका मोबाइल नंबर रहेगा, आपका एड्रेस रहेगा, आपका नाम रहेगा, सारी कुछ जानकारी यहाँ पर आपको इस फॉर्म में भरनी रहेगी। यहाँ पर देखिए आपको क्या मंगाना, जैसे कि बोथ डिलीवरी बैग एंड टी शर्ट, या सिर्फ डिलीवरी बैग मंगाना या टी शर्ट मंगाना है, उनको आप सिलेक्ट कर सकते हो। सपोज़ मैं अभी दोनों बोथ डिलीवरी बैग एंड टी शर्ट करता हूँ, तो यहाँ पर टोटल 6 पेज खुलते हैं। ये पहला पेज था, उसके बाद दूसरा पेज में देखिए ये सारी जानकारी आपसे मांगेगा, ये पेज थर्ड पेज है, सॉरी दूसरा ऊपर वाला है, तीसरा वाला है यहाँ से भाई। तो देखो भाई यहाँ पर क्या क्या जानकारी मांग रहा है, यहाँ पर मांग रहा है सबसे पहले अपना नाम एंटर करें, उसके बाद अपनी FID डालें, उसके बाद अपना जोमेटो का में जो फ़ोन नंबर रजिस्टर्ड है उसको यहाँ पर टाइप करें, उसके बाद आपका शहर, उसके बाद फुल एड्रेस, लैंडमार्क, पिन कोड और आपकी जो भी टी शर्ट का साइज़ MXL जो भी हो भाई, उसके बाद
कोस्टिंग कोस्टिंग कितने पैसे में ये आपको पड़ेंगे वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। गेट योर न्यू ब्रांडेड जोमेटो असेट अफोर्डेबल टी शर्ट एंड डिलीवरी बैग। दो टी शर्ट 350 रुपये में, डिलीवरी बैग 500 रुपये में, डिलीवरी बैग एंड दो सीट टी शर्ट आपको 850 रुपये में यहाँ पर जो है मिलेंगे। और ये पैसे कैसे जो है जोमेटो को देना पड़ेंगे नीचे वो भी आप पढ़ सकते हैं। चाहे तो आप अपना जो भी जोमेटो में पे आउट बनता है उसको वहाँ से आप वीकली भी कटवा सकते हैं, और चाहे तो आप रेजर पे के थ्रू ये पेमेंट कर भी सकते हैं दूसरे नीचे वाले ऑप्शन से। और मेरे ख्याल से ये वाला ऑप्शन ज़्यादा सही नहीं है, आप तो अपना वीकली पे आउट से समथिंग किस्तों में कटता रहेगा, किस्तों में ना कटेगा तो शायद एक बार में 850 जो है शायद काट सकें, पूरा ही काट सकते हैं शायद। तो ऐसे करके आप जो है नेक्स्ट करेंगे तो आपका ये फॉर्म जो है आएंगे कि सिंपल सी डिटेल रहेंगी, उसके बाद आप जो है इस तरह से जोमेटो को बैक टी शर्ट मंगवा सकते हैं। तो चलिए भाई आज की इस वीडियो में बस इतना ही, अगर जानकारी ठीक लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल पर अगर आप मेरे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए भाई मिलता हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अभी के लिए बाय बाय।